नमस्कार दोस्तों, गार्डन एंड हेल्थ जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुकांत और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ। इस वीडियो में ड्रैगन प्लांट आप जब फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग करता है, कौन सा पॉटिंग मीडिया इस्तेमाल करना है, कौन सा खाद डालना है, पूरा बारीकी से डिस्कस किया हो। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो ड्रैगन जो पौधा मैं उगाने दिया था, ये कटिंग से ग्रो किया है। देखिए, अभी ये 35 डेज का हो गया है, अब नया ब्रांच भी निकल आया है। अभी इसको रिपोर्टिंग करना जरूरत है। अभी 12 पॉट में डालेंगे तो बहुत जल्दी इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। और तब देख लेते हैं, अभी ये जो रिपोर्टिंग है, ये रिपोर्टिंग करने के लिए कौन सा पॉटिंग मीडिया इस्तेमाल करता हूँ वो पूरा यहाँ दिखा हुआ है। मैं दिखाएंगे इस पौधे को लगाने के लिए। यह मैंने टोटली जो मीडिया लिया हूँ, टोटली ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये जो ड्रैगन पौधा होता है एकदम ऑर्गेनिक तरीके से आप करें, ग्रोथ भी अच्छा रहता है और हेल्दी भी रहता है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले जो है, मैं यहाँ में कुछ मीडिया ले लिया हूँ। देखिए, ये बहुत सारा डिब्बा देखिए, आपको लग सकते हैं बहुत सारा आइटम है। इनमें से अगर एक दो ठो आइटम कम होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और आप बाद में भी डाल सकते हैं। सबसे पहले जो पॉटिंग मीडिया मैं यूज करता हूँ, ये है बोनडा। ये मैंने जो आइटम लिया हूँ, ये 10 इंच पॉट के लिए मैं यहाँ में डाल रहा हूँ। 10 इंच पॉट, आपका अगर पॉट बड़ा है या छोटा तो उसको और थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसा एक मुट्ठी भर मैं लिया हूँ 10 इंच पॉट के लिए, ये है बोनडा। और ये हॉर्न मिल होता है, वो बोलते हैं इसको, ये हॉर्न मिल है। ये जो जानवर का जो सींग होता है उसका डस्ट है। ये एक मुट्ठी भर, और साथ में यहाँ मैंने एक मुट्ठी भर नीम खली, जो नीम का खली है, ये नीम खली मैं एक मुट्ठी भर ले लिया हूँ। और ये नीम खली जो है मिट्टी को करुआ रखता है, और साथ ही इसमें कीड़े मकोड़ा जो है बहुत कम लगता है। और मैं यहाँ मैंने एक मुट्ठी भर सरसों का खली, ये सरसों का खली एक मुट्ठी भर, थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा कोई तकलीफ नहीं है। साथ में मैं यहाँ में यूज करेंगे, ये है ह्यूमिक एसिड। ये 10 इंच पॉट के लिए जस्ट इतना ही यूज करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और उसका साथ में और एक चीज़ जो मैं इस्तेमाल करेंगे, ये है पोटाश 0050। आपके पास है तो आप इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप बाद में भी इसको स्प्रे का हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि 0050 जो पोटाश होता है आप स्प्रे करके भी डाल सकते हैं। ये जस्ट इतना ही है, आप चम्मच से थोड़ा कम। और एक चीज जो डालना बहुत ही जरूरी है, वो है मैग्नीशियम साल्ट। हमारा ये जो पौधा है, ये निकलने का टाइम में अगर रूट डैमेज हो जाता है, उसको रिकवरी करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट 1 चम्मच। और साथ में अगर जैसे आप ये सब मिट्टी है, मिट्टी में फंगस ना लगे, इसके लिए मैं यहाँ फंगीसाइड इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ सैप इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो दूसरा कोई भी फंगीसाइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। ये 1 चम्मच, ये हो गया हमारा टोटल पॉटिंग मीडिया। और बाकी जो मीडिया है, यहाँ मैंने 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। ये वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ा सा ये वुडन डस्ट है, जो 100 मिल से जो डस्ट निकलता है लकड़े का, वो 100 मिल वाला डस्ट है। ये एक मुट्ठी थोड़ा सा ज़्यादा मैं ले लिया हूँ, बस इतना ही है। ये टोटल हमारा पॉटिंग मीडिया मैं डाल दिया हूँ। हमारा जो पूरा जो पॉटिंग मीडिया है, यानी कि 3 हिस्सा में बांटेंगे। एक है ये जो पॉटिंग मीडिया अभी मैं दिखाया हूँ, और दूसरा है आप गोबर का खाद 1 हिस्सा, और बाकी 1 हिस्सा डालेंगे वो है जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है, वो गार्डन सॉइल, यानी कि 3 हिस्सा हो गया। तो इसमें जैसे हम टोटल ये जो आइटम डाला हूँ, इसको अभी मिला लेता हूँ। मिला लेने का मतलब हमारे पास गोबर का खाद नहीं है, तो गोबर का खाद का जगह में मैं यहाँ में वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करेंगे। ये मैं टोटल ये जो मीडिया है इसको बराबर मिक्स कर लेता हूँ। मिक्स करने के बाद अभी मैं पॉट में डालेंगे, क्योंकि ये जो मीडिया डाला हूँ अभी एक बार डालेंगे, उसके बाद एकदम जब नवंबर महीना आएगा, जिस टाइम पे ये जो ड्रैगन पौधा है एक डॉर्मेंसी पीरियड में रहता है, उसी टाइम पे सेम पॉटिंग मीडिया और एक बार डालेंगे। ये टोटल साल में 2 बार और एक बार डाला जाता है, कि फरवरी महीने का एंड में। ये 3 बार टोटल आप ये पॉटिंग मीडिया डाल देंगे तो आपका ड्रैगन प्लांट के फल के लिए जो सोर्स चाहिए आपका फर्टिलाइजर, ये टोटल कम्प्लीट है। उसके अलावा 7 से 10 दिन छोड़ के सरसों का जो खली होता है
उसको सरा हुआ पानी एकदम पतला कर हल्का करके उसको डालना चाहिए। और साथ में अभी देख लेता हूँ इसका जो पॉट है, ये देखिए ये हमारा पॉट जो है, ये पॉट मैं इस्तेमाल, ये 10 इंच का पॉट है, इस देखिए ड्रेनेज, ये ड्रेनेज है, ये ड्रेनेज को कवर करने के लिए यह मैंने देखिए ये जो पॉट का जो टुकड़ा है ये मैं ले लिया हूँ, ये इसको ढक दिया हूँ। और साइड में दो होल है, इसको भी ऐसे साइड में डाल दिया हूँ, ये डाल दिया है, क्योंकि ये जो पॉट जो मीडिया हम बना है एक ऑयल ड्रेनेज सॉइल है, और इसका साथ में अगर नीचे का जो ड्रेनेज सिस्टम वो बराबर नहीं रहेगा तो हमारा जो है ड्रैगन का जो पौधा है ये बराबर ग्रोथ भी नहीं होगा, और ऊपर से पानी जम के इसका रूट को डैमेज कर देगा। देखिए मिट्टी थोड़ा पानी रेत है, लाल वाला जो मिट्टी है बिल्डिंग बनाने का वो है, ये मैं थोड़ा डाल दिया हूँ क्योंकि ये थोड़ा बारिश में गीला हो गया, अभी इसमें से मैं ड्रेनेज तैयार कर देंगे। ऐसा आप जब भी कभी भी कोई ड्रैगन पौधा लगाता है पॉट में तो ध्यान से ये ड्रेनेज सिस्टम बराबर तैयार कर लीजिएगा, तो जाके आपका ये ड्रेनेज सिस्टम, जब तक आपका ये पौधा रहेंगे तब तक ये ड्रेन जो ये ड्रेनेज सिस्टम रहेंगे, क्योंकि दोबारा हमको इधर उधर करने का रिपोर्टिंग करने का भी जरूरत नहीं है। देखिए हमारा नीचे का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो तैयार हो गया है। अभी क्या है इसका साथ में जो पॉटिंग मीडिया है मैं मिट्टी डाल के इसको बराबर ये थोड़ा साइड कर लेता हूँ, मिट्टी का साथ में इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसका साथ में ये देखिए ये हमारा पुराना गार्डन सॉइल मैं सोलर का ड्राई तो हल्का ड्राई करके रखा हूँ, और ये जो मीडिया है ये मैं मिक्स कर लिया, और बाकी जो है मैं वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, आप गोबर का खाद डाल सकते हैं, सॉइल है इसमें गोबर का खाद ज़्यादा रहेंगे तो ड्रैगन जो फल होता है वो गोबर का खाद बहुत पसंद करता है, इसके लिए ये वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा मिला दिया क्योंकि हमारे पास गोबर का खाद नहीं है, इसके लिए मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रहा हूँ। आपका पास अगर गोबर का खाद है गोबर का खाद ही डालिए, ऑप्शनल में ये वर्मी कंपोस्ट है जो गोबर का खाद का ही काम करता है, ये बराबर मिक्सिंग करके अभी पॉट में डालेंगे। अभी ये देखिए ये पॉट में हम इसमें डालेंगे, लेयर बाय लेयर डालेंगे, हल्का सा दबा देंगे, जैसे ये डाल दिया देखिए एकदम पट का जो सॉइल मीडिया है एकदम हल्का है, इसमें ज़्यादा लोड भी नहीं है। आपका छाद में अगर आप ड्रैगन फल लगाता है तो इसमें बहुत हल्का रहता है, और ऊपर से मैं 2 इंच जगह छोड़ देंगे, ये जो 2 इंच का जगह है ये बाद में जो खाद डालेंगे उसके लिए रखेंगे। बस इतना अभी डाल दिया, अभी थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, बस इतना ही है और ज़्यादा नहीं डालेंगे। अभी इसको काट के मैं निकाल देता हूँ, एकदम आराम से ऑलरेडी बहुत सारा रूट निकल आया होगा, एकदम आराम से निकलना है, रूट डैमेज नहीं करना है। ये जो पॉटिंग मीडिया है एकदम रॉ है, इसको अगर एक हफ्ता आप अगर इसमें जैसे कभी कभी हम लोग ये ड्रैगन का जो ये पीस है ये डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये जो पॉटिंग मीडिया तैयार किया है इसको एक हफ्ता थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो फंगस है, क्योंकि ये जो बोन डस्ट है उसके बाद सिंकुची है इसमें क्या है ये फंगस लग जाता है, इसके लिए इसको एक हफ्ता पहले से तैयार करके रखेंगे। ये जो है ये अभी ऑलरेडी इसका रूट डेवलपमेंट हो गया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डायरेक्ट इसको डालता है जिसमें रूट नहीं है नया है तो उसी टाइम पे इसको एक हफ्ता ये जो मिट्टी को थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और ये जो है इस बीच में जो फंगस आएगा उसको रोकने के लिए। तो देखिए ये है हमारा, देखिए ये सब छोटा छोटा जो है ये रूट निकल आया है, ये जो रूट निकला है ये जब इसका सेट हो जाएगा दोबारा इसमें फिर बहुत सारा और भी रूट आएंगे और पूरा पॉट भर जाएंगे। अब इसको इसमें डाल देता हूँ, एकदम सेंटर करके डालेंगे, दोबारा इसको मिट्टी से चारों तरफ मैं भर देता हूँ। और लगाने टाइम हॉट टाइम ये जो साइड का जो जगह है, और ये जो पॉट का में ये छोटा वाला पॉट में जो मिट्टी था जो साइज का था बस उतना ही हाइट का रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। ये हो गया हमारा, इसको डाल दिया,
अब इसमें फर्स्ट टाइम जो भी आप पौधा लगाते हैं थोड़ा सा बराबर इसमें पानी डालेंगे और हॉट टाइम पानी एकदम ज़्यादा नहीं डालना, कि ज़्यादा डालेगा तो भी ड्रेनेज हो जाएगा, लेकिन ये जो कैक्टस टाइप का जो पौधा होता है, ये कैक्टस है तो इसमें पानी बहुत कम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। ये डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ये हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में डाल देंगे। अब इसमें पौधे में पानी डाल देता हूँ, ये बरसात का पानी है, मैं इकट्ठा करके रखा था, हॉट टाइम बरसात का पानी डालेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए ये डाल के छोड़ दिया, अभी इसको फिर दोबारा तो अभी इसमें खाद डालेंगे, और फिर एक महीना तक इसमें कोई खाद डालना ज़रूरत नहीं है। और एक महीने के बाद सरसों का खली 4-5 दिन उसको बराबर पानी में डाल के रखिए, डालने के बाद जो लिक्विड बनेगा उसमें से 50 ग्राम लीजिए, 50 ग्राम का साथ में 1 लीटर पानी मिलाइए, मिलाने के बाद हल्का करके ये पौधे में डाल दीजिए 10 दिन छोड़ के, महीना में 2 बार डालेगा तो भी चलेगा, बस उतना ही काफ़ी है। देखिएगा पौधा एकदम ग्रोथ अच्छा रहेंगे और एकदम मोटा जो ये जो ब्रांच निकला है और मोटा होके ऊपर तरफ जाएंगे। और इसका ये टाइम पे अभी क्या करना है, इधर एक सपोर्ट डालना है, जब ये बड़ा हो जाएगा ना, एक सपोर्ट नहीं डालेंगे तो ये गिरेगा और ये जगह से ये टूट जाएगा, इसके लिए अभी मैं इसमें सपोर्ट डाल देता हूँ। अभी क्या है, ये जो पौधा है ये हमें एक ये मैं सपोर्ट डाल देता हूँ, जैसे जैसा पौधा है उसका बगल से ऐसा सीधा एक सपोर्ट दे देता हूँ एकदम नीचे तक टच करके, ये जब उठे ऐसे इसको बांध देंगे, इसके ऊपर में मैं टायर डालेंगे, एक ही साथ में मैं 3-4 जो पौधा है इकट्ठा करके एक सेट बनाएंगे, ठीक है, एक सेट बना देंगे। तो अभी देखते हैं और आगे जो अपडेट होएगा धीरे धीरे इसका, जब ये बड़ा होते जाएगा उसका अपडेट का साथ वीडियो लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों आज यहाँ तक, फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वीडियो लेके। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और बहुत सारा पेड़ पौधा लगाइए। धन्यवाद।